का मौसम है, तपती गर्मी, चारों ओर गर्मी से बच करके भागते हुए लोग, पर जिंदगी की मजबूरियां, दुश्वारियां, बिना गर्मी में निकले जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो सकती है। इस गर्मी के सीजन में हमको अपने कार्यों को, अपने जीवन को चलाना है, पर गर्मी से बचने के उपाय भी हमको तलाशना है। हजारों हजारों लोगों ने फेसबुक से, ट्विटर के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से या फोन के माध्यम से, जो भी हमको जानते हैं, अनेकांश लोगों की यही एक जिज्ञासा, इच्छा और हमसे आग्रह था कि हम गर्मी के विषय में कोई सटीक समाधान, प्रामाणिक समाधान बताएं। तो आज हमारा प्रयास है इस भयानक लू से, इस भयानक गर्मी से हम कैसे बचें, बचने के उपाय, और यदि कोई किन्हीं कारणों से गर्मी लग भी गई हो तो उसको ठीक करने के उपाय। तो आज उसके लिए मेरे पास, मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये सारे वो द्रव्य हैं जो प्राकृतिक रूप से लगभग हर घर में उपलब्ध हैं। यह वह प्रोडक्ट हैं जो पतंजलि के द्वारा पूरे देशवासियों को हमने उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको उनके जीवन को निरामय बनाने के लिए इन प्रोडक्ट को प्राकृतिक रूप से ही हमने निर्मित किया है। तो पहले मैं ये प्राकृतिक चीज़ों को बताऊं, उसके बाद जो निर्मित वस्तुओं के विषय में बताऊंगा, उससे पूर्व पहले सावधानी। तो समाधान सावधानी, सावधानी यह है कि इस भयानक गर्मी में जब भी आप घर से बाहर निकलें, आप पानी पीकर ही निकलें। जितना आप पानी पी सकते हैं, 200-250 ml से लेकर के आधा लीटर तक आप पानी पिए, पानी पी करके ही तब आप गर्मी से बाहर निकले। इतना करने से ही जो लू लगने की संभावना है, गर्मी से जो होने वाली बीमारियों की संभावना है, या स्किन आदि में होने वाली जो प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी बचाव हो जाता है। और घर से निकलें, सीधे आप धूप में जा रहे हैं तो या तो टोपी लगा लें, कोई वस्त्र से शरीर को ढक लें, या छाता आदि का प्रयोग करें, ये दूसरा उपाय। तीसरी चीज़, इस गर्मी के मौसम में जो वस्त्र है, जो आजकल फैशन के ज़माने में जो टाइट जीन्स वगैरह हम पहनते हैं या सिंथेटिक जो कपड़े पहनते हैं, उसकी जगह पर आप प्रयास करें कि आप जो कॉटन है, सूती कपड़े हैं और शरीर में थोड़ा सा हवा जाने लायक थोड़े से ढीले कपड़े हैं, हम उनको पहन करके घर से बाहर निकलें। तो सूती कपड़ों के पहनावा से, थोड़े ढीले कपड़ों के पहनावे से भी हम गर्मी से काफ़ी बच सकते हैं। इसके बाद में जब हम घर से निकलें, हमारे जूते भी, क्योंकि जो सॉक्स हैं कॉटन के हों, पतले हों, यदि जूतों की जगह पर यदि आप चप्पल पहन करके निकल सकें तो वो और भी अच्छा है। इतने उपाय कर लेने से आप गर्मी से काफ़ी बच सकते हैं। गर्मी से आते हैं बाहर से तो घर में या ऑफिस में पहुंचते ही आप तत्काल ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा महसूस करते हैं कि गर्मी लग रही है तो तत्काल यदि हम बहुत ठंडा पानी पियेंगे या ठंडी चीज़ें हम ले लेंगे तो हमारी गर्मी शांत हो जाएगी। गर्मी शांत होने की जगह पर उससे उपद्रव होने की, बीमारियां होने की, परेशानी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उस समय पर हम जब बाहर से पहुँचे कहीं पर भी, तो एक तो अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, पसीना आ रहा है तो पसीने को थोड़ा सा सूखने दें, उसके बाद में ही पानी पिएं। यदि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो तो 2-4 घूंट पानी पिएं, ज़्यादा पानी ना पिएं, इससे भी जो है जो गर्मी में होने वाली जो बीमारियां हैं उससे आप बच सकते हैं। यह हुई सावधानियां, हम चलते फिरते क्या करें। उसके बाद में अब घरों में जो उपाय हैं, घर के उपाय में गर्मी के लिए, जैसे आप देखेंगे तो हर घर में उपलब्ध है, ये हालांकि बड़ी विचित्र बात है, ये हरी मिर्च है। मिर्च वैसे गर्मी में सेवन, लाल मिर्च कतई नहीं करना चाहिए, काली मिर्च, अदरक, सौंठ आदि का भी सेवन गर्मी में नहीं करना चाहिए, मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए, तली भुनी चीज़ों का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। हमको गर्मी में हल्का आहार लेना चाहिए, प्राकृतिक आहार लेना चाहिए, सादा आहार लेना चाहिए। जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, उनसे हमको बिल्कुल ही बचना चाहिए। वैसे तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, सर्दी में भी नहीं खाना चाहिए, परंतु गर्मी में तो आपके लिए वह पॉइजन, एक तरह से जहर का काम करेगा, उसको आपको सेवन नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक्स पी करके लोग सोचते हैं कि हम उसको पी करके हम गर्मी से बचाव कर लेंगे, यह भी भ्रम है। गर्मी के बचाव के चक्कर में हम विविध रोगों के कारण हम अपने शरीर में पैदा कर लेते हैं,
विविध रोगों के हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, उससे भी हम सावधान रहें। हमको कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, हमको कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना है, हमको फास्ट फूड और जंक फूड नहीं खाना है, इससे तो आप स्ट्रिक्टली बचें। इतना करेंगे तो आप लू से बचने में, आपको गर्मी से बचने में, गर्मी से द्वारा होने वाली बीमारियों से बचाव में आपको बहुत सहयोग प्राप्त होगा और आप निरोग बने रहेंगे, आपके शरीर में कोई व्याधियाँ नहीं आएंगी। फिर भी बाकी जो उपाय हैं प्राकृतिक जिनके द्वारा हम ठीक रह सकते हैं, उनमें से गर्मी में आप हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं। हरी मिर्च के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है, उसके अंदर जो तत्व है, जैसे जिसको मिर्च ज़्यादा लगती हो, तो जैसे ये मिर्च है कम तीखी है, कम तीखी आप मिर्च का सेवन कर सकते हैं। हरी मिर्च के अंदर विटामिन सी भी होता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें जो बीज है, हरी मिर्च का जो बीज है, यदि वो एक दो बीज भी पेट में रहता है, तो उससे जो लू लगने की संभावना होती है या गर्मी में दस्त होने की संभावनाएं होती हैं, वो नगण्य होती हैं, वो क्षीण हो जाती हैं। इसलिए हरी मिर्च का सेवन कर करके आप लू से और गर्मी के रोगों से बचाव कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा एसिडिटी हो, मिर्च नहीं खा सकते हो, वो कम तीखी मिर्च का सेवन करें। यह एक सरल उपाय है। इसके अलावा मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं, ये प्याज है। प्याज जो है वह गर्मी के लिए एक अद्भुत और अचूक औषधि है। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं, बहुत सारे परिवारों में प्याज का सेवन नहीं किया जाता है, हम भी जनरली आहार में प्याज का सेवन नहीं करते हैं, परंतु औषधि के रूप में आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग आप भरपूर प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। तो औषधि के प्रयोग के लिए जैसे कच्चा प्याज का प्रयोग, जो जैसे प्याज में बदबू आती है तो कई लोग नहीं खाते हैं, तो कच्चे प्याज को डाल करके काट करके पानी में भिगो दीजिए। पानी में यदि 2-3 घंटा भिगो देते हैं तो जो प्याज का जो स्मेल है वो कम हो जाता है। उसको बाहर निकाल करके उस कच्चे प्याज का सलाद के रूप में आप सेवन कर सकते हैं, उससे गर्मी से बचाव होगा। दूसरा, यदि प्याज को यदि आप अपने पॉकेट में या जेब में या थैले में भी डाल करके घूमेंगे, तो प्याज रखने मात्र से लू लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यह इतना अद्भुत है गर्मी से बचाने के लिए। तीसरी चीज़, लू की वजह से परेशान हो गए, किसको लू लग गई हो, तो लू लगने के बाद में भी प्याज को कूट करके यदि आप उसका लगभग 2 चम्मच रस उस व्यक्ति को पिला देते हैं, पीने में थोड़ा सा अच्छा ना लगे, उसमें थोड़ा सा पानी और शहद मिला करके भी ठंडा उसको बना करके पिला सकते हैं, तो आप देखेंगे लू लगी हुई जो परेशानी है उसमें भी तत्काल इससे लाभ हो जाता है। तो ये प्याज आपको लू से बचाने के लिए बहुत बढ़िया है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये नींबू। नींबू सब जानते हैं कि नींबू एक बहुत अमृत चीज़ है, एक दिव्य चीज़ है। हम नींबू को शरबत के रूप में पीते हैं, नींबू को हम रस निकाल करके विविध तरह के अलग अलग स्वाद के हम पेय पदार्थ बना करके पीते हैं। तो ये नींबू का प्रयोग आप शरबत के रूप में, जूस के रूप में, नींबू पानी के रूप में, जैसे भी आप ले सकते हैं, इसका आप प्रयोग करिए। आप देखेंगे कि नींबू के प्रयोग से इससे इसमें, क्योंकि सब जानते हैं नींबू में जो है विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट नींबू होता है, शरीर के बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में नींबू बहुत कारगर है। विविध दिव्य गुणों से परिपूर्ण यह प्राकृतिक पदार्थ है, तो इसका हम सेवन करके, नींबू पानी पी करके भी हम लू से बच सकते हैं। तो नींबू का भी हम अधिक से अधिक सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पुदीना है। ये पुदीना जो है, ये पुदीना एक अद्भुत चीज़ है गर्मी के लिए। तो पुदीने को हम क्या कर सकते हैं, पुदीने की चटनी भी खा सकते हैं। पुदीने, हरी मिर्च और प्याज, ये तो तीन चीज़ तो, और नींबू, ये पूरे चटनी का सामान हो गया। आप इसका सेवन कर सकते हैं। बाकी पुदीने को आप पीस करके, जैसे नींबू पानी है, पुदीना पानी भी बना सकते हैं। नींबू पानी में भी थोड़ा पुदीना डाल करके लिया जा सकता है। पुदीने को तो आप यदि इसको थोड़ा सा टुकड़े कर करके पीस करके जो आप नहाते हैं उस पानी में भी डाल करके नहा सकते हैं। उसमें भी यदि आधा नींबू निचोड़ दें तो वो बहुत ही अद्भुत काम करता है। तो नहाते समय पुदीना और नींबू उसको थोड़ा सा पानी में मिला दीजिए, तो वह भी शरीर के लिए, गर्मी से बचाव के लिए, गर्मी से स्किन में होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। और पुदीने को पीस करके यदि कहीं लू की वजह से कहीं आपकी स्किन में प्रॉब्लम हुई हो, तो वहाँ भी पीस करके लगा सकते हैं। तो पुदीने के द्वारा, पुदीने का पानी पीने से, नींबू का पानी पीने से, नींबू का शरबत पीने से, पुदीने की चटनी के सेवन से आप लू से बचाव कर सकते हैं। यह एक बहुत ही बढ़िया है। और नींबू पुदीना सब डाल करके एक आपने देखा होगा, ये निर्मित रूप से मिलता है, पतंजलि का भी मिलता है, जलजीरा। जलजीरा जो है यह गर्मी से बचाव के लिए बहुत उम्दा उपाय है। तो जलजीरे का पानी पिए, जलजीरा डाल करके, तो वह भी गर्मी से बचाव के लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो जलजीरा जो नींबू या पुदीना इस तरह के द्रव्यों को जो नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो बना बनाए भी इसको ले सकते हैं।
आप देख रहे हैं ये टमाटर है मेरे सामने, यह भी लू के लिए बहुत ही बढ़िया है। टमाटर का जो कार्य हमने देखा, यदि जैसे गर्मी लग रही हो, स्किन में प्रॉब्लम हो या चेहरे पर भी, इसको बीच में से काट करके टमाटर को आप उसको धीरे धीरे चेहरे पर या स्किन पर रगड़ सकते हैं, उससे भी लू से जो स्किन की प्रॉब्लम है या जो स्किन की जो चमक है क्षीण हो गई हो, तो उसको चमक को लाने के लिए यह टमाटर कारगर है। और आप देख रहे हैं ये खीरा, खीरा जो है यह एक अद्भुत है लू के लिए और गर्मी के लिए। खीरे का जूस निकाल करके आप सुबह पी सकते हैं, खीरे का जूस में आप ये पुदीना आदि भी मिला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और खीरा और टमाटर का भी जूस निकाल कर पिया जा सकता है। खीरा, करेला और टमाटर, तीन द्रव्यों का जो जूस है वह डायबिटिक वालों के लिए भी बहुत ही कारगर है। तो ये जो खीरा है यह मूत्रल है, किडनी रोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है। जिनको बार बार पेशाब आता हो, गर्मी की वजह से पीला पेशाब होता हो, जिनको धातु रोग की बीमारी हो, उनके लिए भी यह खीरा बहुत ही कारगर है। इसको आप जूस निकाल करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो लू से बचाव के लिए, गर्मी के बचाव के लिए, इसके अतिरिक्त खीरा काट करके चेहरे पर, हाथ पैरों पर मलने से चेहरे की स्किन की जो कांति है वह भी बढ़ती है। और जिन लोगों को, जैसे मैंने बताया कि आपको जैसे गर्मी भयानक लगी हो, उनके लिए भी खीरा काट करके, खीरा या लौकी दोनों चीज़ बीच में से काटें और हाथ पैरों में रगड़ें, हाथ के हथेलियों में, पैर के तलवों में, यदि इसको 5-5 मिनट रगड़ दिया जाए तो जिसको लू लगी हो उसको उससे तुरंत लाभ पहुँचता है। इस तरह से खीरे से भी हम गर्मी से बचाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अद्भुत और कारगर चीज़ है। और आप देख रहे हैं यह सामने ये है बेल, यह बेल फल जो हमारी सनातन परंपरा में, पौराणिक परंपरा में जो बहुत अद्भुत माना जाता है, भगवान शंकर को यह प्रिय माना जाता है। भगवान शंकर को हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, ये बेल के पत्ते भी साथ में हैं। ये गर्मी के लिए अमृत है, ये गर्मी के लिए रामबाण है। और बहुत सारे भाई आप देखेंगे रेड़े पर, ठेले पर, एक छोटे एक मैं कहूँ कि बहुत सारे लोगों के जीवन निर्वहन का साधन भी गर्मी में बेल का शरबत बेच करके उनका जीवन चलता है। तो उन भाइयों का भी लिए भी सेवा, एक सहयोग हम कर सकते हैं। बेल का शरबत पी करके हम अपने आप को गर्मी से भी बचा सकते हैं। तो पके हुए बेल का इसका गुद्दा निकाल करके पानी में मिला करके उसको मसल करके फिर आप छान करके जितनी इच्छा हो उतना मीठा मिला करके इसको पी सकते हैं। तो यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है गर्मी के लिए। तो बेल का शरबत यदि हम पीते हैं तो गर्मी से बच सकते हैं। और बेल का जो विशेष जो गुण है वह है पेट के रोगों के लिए, या जिनको कोलाइटिस है, एमोवाइसिस है, जिनको संग्रहणी है, जिनको पेट गड़बड़ रहता है, उन सब के लिए भी यह बहुत ही बढ़िया है। पेट को ठंडा रखने के लिए, पेट को नरम रखने के लिए और बिगड़े हुए पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए बेल बहुत ही कारगर है। और जो लोग बेल इस तरह से शरबत नहीं पी सकते, फ्रेश नहीं मिलता है, तो उसके लिए हमने ये बना रखा है बेल शरबत। ये प्योर बेल के अंदर थोड़ा सा इसमें शर्करा मिलाया हुआ है, तो वो शर्करा मिला करके हमने यह बहुत ही प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण किया है। तो जिनको बेल सहज रूप से उपलब्ध ना हो, वह पतंजलि का बेल शरबत का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये गर्मी से बचने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय हमने आपको बता दिया। और आप देख रहे हैं इधर ये आम है, ये कच्चे आम है, अभी पकने के तरफ है ये कच्चे आम, क्योंकि जो आम का पन्ना बनता है वो कच्चे आमों से बनता है। और हमारी परंपरा में, दादी नानी के नुस्खों में आम का पन्ना गर्मी से बचने के लिए मेरी माँ बहनें, हमारी दादी नानियाँ हमको नुस्खे के रूप में वो एक दिव्य वरदान दे करके गई हैं, वो आम का पन्ना। तो कच्चा आम, वैसे कच्चा आम वैसे खाने में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पर तो इसको आग में भून करके यदि इसका आम का पन्ना बना लिया जाए तो ये गर्मी से बचाने के लिए बहुत ही रामबाण है, बहुत ही कारगर है। पूरे भारतवर्ष में ये आम का सीजन, अभी पूरे उत्तर भारत में अभी आम कच्चा है, अभी आम पकने का समय नहीं आया है और गर्मी अभी पूरी तरह से अपने यौवन स्थिति में है। और इस समय पर हम आम का पन्ना बना करके यदि पीते हैं तो गर्मी से बचने के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता। और हम लोगों ने इसी के लिए, जो लोग अपने आप पन्ना नहीं बना सकते हैं, तो हमारे पास मैंगो पन्ना भी है पतंजलि का। सबसे अच्छा तो है घर में, हमारा कार्य व्यापार व्यवसाय नहीं है, हमारा कार्य तो यह है कि नॉलेज को आप तक पहुँचाना, नॉलेज के द्वारा आपके जीवन को सुंदर बनाना, जीवन को उन्नत बनाना। तो अच्छा है कि आप घर में बना करके स्वयं मैंगो पन्ना पिए, आम का पन्ना पिए, उससे गर्मी से बचें, गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचें। यदि आप बनाने में सक्षम नहीं हैं तो पतंजलि का मैंगो पन्ना बना बनाया है, दिव्य गुणों वाला है, इसको पी करके भी आप लू से और गर्मी से बच सकते हैं। तो यह एक आम का पन्ना भी गर्मी के लिए बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर समाधान है हमारे लिए। तो आप देख रहे हैं ये साउथ भारत में होता है, सौभाग्य से आज
पूरे भारतवर्ष के अंदर मैंने देखा कि जहाँ भी जाएं, बिहार में जाएं, दिल्ली जाएं, चाहे हरिद्वार में बैठे हों, ये जो नारियल है, हरा नारियल सब जगह आज उपलब्ध हो पाता है। यह भी किसान लोग अपने खेतों में उगाते हैं, अपनी ज़मीन पर उगाते हैं, नारियल का पानी पी करके। जहाँ हमको गर्मी से शांति मिलेगी, वहीं किसानों को रोज़गार मिलेगा, उनका जीवन समृद्धशाली बनेगा। तो गर्मी में हम नारियल का पानी पिएं। जितना नारियल का पानी पिएंगे, ये इससे एसिडिटी का भी शमन होगा। यह मूत्रल भी है, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। तो नारियल का पानी पी करके हम गर्मी से बचाव कर सकते हैं। तो ये सारे जो तत्व हैं, ये सब किसान उगाते हैं, ये सारे हमारे खेत खलिहानों में होने वाली चीज़ है। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूँगा, एक इन चीज़ों को पी करके जहाँ आपका जीवन सुंदर बनेगा, जहाँ आप निरोग बनेंगे, जहाँ आपको गर्मी से बचाव आप कर पाएंगे, वहीं हमारे किसानों के लिए खेत खलिहान में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो दूर दराज के हमारे आदिवासी वनवासी भाई हैं, उनके जीवन को, उनके जीवन में समृद्धि लाने में भी आप सहयोगी बनेंगे। आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, आप विविध तरह के फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उससे आप बीमार भी होते हैं, और उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो पैसा है, वह हम MNCs को देते हैं, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को चला जाता है। तो हम अपने स्वास्थ्य के एक तरह से अपने जीवन को दांव पर लगा करके हम स्वास्थ्य का सौदा करते हैं MNCs के साथ। इसकी जगह पर स्वास्थ्य बचाने का सौदा करें हम अपने किसानों के साथ, देश की परंपराओं के साथ। ये हमारा आह्वान है। और गर्मी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। गर्मी है तो गर्मी को पड़ने दीजिए, गर्मी अपना काम करेगी। हम थोड़ी सी सावधानी करें तो हम अपने उपायों के द्वारा गर्मी का मुकाबला कर सकेंगे, और गर्मी नहीं, हम गर्मी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, ये नारियल का पानी, इसका सेवन करिए। अब आप देख रहे हैं मेरे पास में यह तरबूज है। ये तरबूज जो है, तरबूज आप जानते हैं कि ये वाटरमेलन जो है बहुत ही मुरीर चीज़ है, बहुत कारगर चीज़ है। इसका सेवन करके यह भी किसान लोग अपने खेत में उगाते हैं। और वाटरमेलन एक ऐसी चीज़ है जो मोटापे के लोग हैं, गर्मी में विशेष करके तो मोटापा कम करना चाहते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा व्यायाम करें और वाटरमेलन दिन भर खाएं, क्योंकि इससे पेट पूरा भर जाता है, पर इसके अंदर इतनी कैलोरी कम है कि वह जा करके हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो यह आप सेवन कर सकते हैं। इससे गर्मी से बचने के लिए भी यह बहुत ही बढ़िया है। और हमको तो याद है, गाँव में हम लोग गुरुकुल में जब हम लोग पढ़ते थे, इसको बोरे में बांध करके हम कुएँ में लटका देते थे पानी में, वो 3-4 घंटे में यह ठंडा हो जाता था। यार कहीं नहर हो तो नहर में ब्लड डाल करके छोड़ देते थे। आजकल तो फ्रिज है, आप फ्रिज में रख करके ठंडा करके भी इसको खा सकते हैं। पर गांव में जहां लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो यदि वहां कुआ है तो कुएं के पानी में लटका करके ये 2-3 घंटे में बड़ा ठंडा हो जाता है, तो खाने में भी बड़ा स्वाद आता है। तो यह तरबूज का सेवन कर करके आप गर्मी से बच सकते हैं। ये प्राकृतिक उपाय हैं। जितने भी चीज़ों को मैंने आपसे निवेदन किया, यह बहुत अद्भुत हैं, बहुत ही कारगर उपाय हैं गर्मी से बचने के लिए। तो हमारे ऋषियों ने, हमारी परंपरा में वो सब चीज़ें थी। और प्रकृति को भी यदि हम ध्यान से देखें, मैं एक बहुत विशेष बात बताना चाहता हूँ। भगवान ने जिस सारी जो सृष्टि की रचना की है, बहुत वैज्ञानिक ढंग से की है। तो तपती गर्मी में ही कच्चे आम मिलते हैं, तपती गर्मी में ही यह हमको तरबूज, ये खरबूज, तरबूजा सब मिलते हैं, तपती गर्मी में ही ये बेल मिलते हैं। ये सारे पदार्थ जो गर्मी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए गर्मी में ही वो पदार्थ पाए जाते हैं, सर्दी में सर्दी से होने वाले रोगों से बचने के लिए ही वो पदार्थ जो है ज़मीन में पाए जाते हैं। तो प्रकृति ने यदि गर्मी दी है, तो गर्मी के निवारण के साधन भी गर्मी के मौसम में ही भगवान ने दिए हैं। यदि प्रकृति ने सर्दी दी है, तो सर्दी से निवारण के साधन ही सर्दी में दिए हैं। हमको समझना होगा, प्रकृति के नियम को हम समझें, प्रकृति के व्यवस्था को हम समझें, प्रकृति के अनुकूल चल करके हम जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, प्रकृति के अनुकूल चल करके हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं, प्रकृति के अनुकूल चल करके हम जीवन को खुशहाल और निरामय और निरोग बना सकते हैं। तो आइए इन प्राकृतिक उपायों से, जितने भी प्राकृतिक उपाय मैंने आपको बताए, जो आपके घर में हैं, आपके आंगन में हैं, आपके आसपास में हैं, आपके दैनंदिन जीवन में आपको उपलब्ध होते हैं, आपकी रसोई में ये चीज़ें मिलती हैं, इनके द्वारा, इनके सेवन के द्वारा, इनके बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उपयोग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरोग बनाएं, और बचिए MNCs की जो भयानक, जो बीमारी करने वाली चीज़ों से, उन पदार्थों से। यह हमारा आह्वान है, स्वदेशी का आह्वान। स्वदेशी तो ये मिट्टी में, हमारी धरती पर उगने वाली चीज़ें, हमारे देश में पैदा होने वाली चीज़ें, पहले हम उनको महत्व दें।
दे दें, उन चीज़ों को आप प्राकृतिक रूप से पाने में असक्षम है, तो पतंजलि आपके लिए विकल्प लेकर के आया है। जैसे मैंने बताया मैंगो पन्ना आप ले सकेंगे, ये खस का शरबत, क्योंकि खस भी बहुत ही कारगर है गर्मी के लिए, आप इस शरबत को पी सकते हैं। यह बेल का जो शरबत है आप इसको पी सकते हैं। यह गुलाब का, ये गुलाब की छोटी छोटी सी पंखुड़ियाँ आप देख रहे हैं मेरे पास में, ये गुलाब का फूलों से बनाया जाता है, जो प्राकृतिक ये जो देसी गुलाब है उन फूलों से हम इस शरबत को बनाते हैं, क्योंकि गुलाब भी गर्मी के लिए बहुत ही दिव्य चीज़ है, अद्भुत चीज़ है, प्रकृति का यह वरदान है, भगवान की यह अद्भुत देन है। ये तो गुलाब शरबत के द्वारा भी आप गर्मी शांत कर सकते हैं। सुबह उठ करके आप यह एलोवेरा जूस, ये एलोवेरा जूस आप 12 महीना पी सकते हैं। एलोवेरा जूस यह प्राकृतिक रूप से वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन करती है, क्योंकि बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को गर्मी में ही ले सकते हैं, कुछ सर्दी में ही ले सकते हैं, पर एलोवेरा जूस ऐसा है जो आप 12 महीना सेवन कर सकते हैं। यह गर्मी से भी आपको बचाएगा तो सर्दी से भी बचाएगा। एलोवेरा को जो घृत कुमारी है उसको आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक कहा गया, तो तीनों दोषों के शमन करने के लिए अद्भुत है। तो सुबह सुबह आप एलोवेरा में थोड़ा ज़्यादा पानी मिला दें, थोड़ा एलोवेरा मिला दें, और चाहे तो आप मीठा करने के लिए थोड़ा शहद मिला दें। एक तरह से एलोवेरा जूस की जगह आपको एलोवेरा शरबत, एलोवेरा पानी पीने को मिलेगा, वह भी बहुत अद्भुत और लाभकारी आपके लिए होगा। इसी तरह से यह ब्राह्मी शरबत, यह ब्राह्मी के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शुद्ध ब्राह्मी है बहुत कम देश में अभी उपलब्ध है, तो ये शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा आयुर्वेदिक विधि से हमने इस शरबत को तैयार किया है, गर्मी के शमन के लिए, दिमाग को ठंडा रखने के लिए। वैसे ऊपर से भी गर्मी आज बहुत तप रही है, पूरा शरीर तप रहा है, पूरा सर तप रहा है, और वैसे भी लोगों की आजकल ज़्यादा ही गर्मी है। छोटी छोटी बातों में हम लोग पेशेंस खो देते हैं, धैर्य खो देते हैं, हम एक दूसरे के प्रति जो है ऊंच नीच की भावना हमारी, हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि मेरे से बड़ा है या मेरे को संभाल करके बोलना चाहिए। तो जो हमारी उत्तेजनाएँ हैं उसको शांत करने के लिए भी, गर्मी को शांत करने के लिए, दिमाग को ठंडा करने के लिए, विचारों को ठंडा करने के लिए, विचारों को सात्विक बनाने के लिए यह ब्राह्मी शरबत बहुत उम्दा है, बहुत ही अद्भुत है। ये ब्राह्मी शरबत का भी आप सेवन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं ये विविध तरह के हमारे पतंजलि के जो जूसेस हैं, लीची है, पाइनएप्पल है, मिक्स फ्रूट है, गुआवा है, इन सारे जूस को पी करके भी, ये सारे जूस ये प्योर हैं, शुद्ध हैं, प्राकृतिक रूप से इनको बनाया गया है। इन जूसों का सेवन करके भी आप लिक्विड ज़्यादा लें, लिक्विड इनटेक हमारी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गर्मी में, इनको लेकर के आप कैलोरी भी पा सकते हैं और कैलोरी के साथ साथ में आप गर्मी से भी बच सकते हैं। इन सब चीज़ों को पिएं, फिर भी आपको लगता है कि बढ़िया चीज़ पीनी है, ठंडाई सब जानते हैं, ठंडाई में इसमें बड़े सारे मगज, बड़े सारे बादाम, बड़े सारे ड्राई फ्रूट्स डाले होते हैं, तो इसको भी आप पी सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर महंगा हो पर गुणकारी हो, लाभकारी हो, तो अद्भुत काम होता है। यह ठंडाई भी आप सेवन कर सकते हैं, यह पतंजलि का अद्भुत यह ठंडाई है, इसको भी आप गर्मी में ले सकते हैं। और जैसे मैंने बताया यह आंवला रस, क्योंकि यह सर्दी में जिनको सर्दी जुकाम रहता है उनको थोड़ा सा नहीं पीना चाहिए, बाकी सभी लोग इस आंवले का जूस पी सकते हैं। तो आंवला जूस भी, आंवले का जो रस है उसमें आप इसको शरबत की तरह बना करके पी सकते हैं, आप देखेंगे बड़ा स्वादिष्ट बनता है। आप 4-5 ढक्कन डाल दीजिए आंवले का जूस, और एक गिलास थोड़ा ठंडा पानी, उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके इसको मिक्स कर दीजिए, फिर आप पिलाएंगे तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि आपने उनको आंवला जूस का शरबत पिलाया है। तो आंवला जूस का शरबत बना करके पी सकते हैं, आंवले का जूस सीधा भी ले सकते हैं, इससे पेट साफ होता है, ये विटामिन सी का बहुत बढ़िया सोर्स है। आजकल बहनों के, माताओं के, भाइयों के, सबके बाल झड़ते हैं, असमय में जो है बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उन सब के लिए भी कारगर है। आँखों की रोशनी जिनके ठीक नहीं उनके लिए भी ये ठीक है, इससे दांत भी मजबूत होते हैं, इससे आँत भी ठीक रहती है, इससे पेट भी ठीक रहता है। तो संपूर्ण शरीर के लिए, देह के लिए, दिमाग के लिए यह आंवला बहुत अद्भुत है, यह अमृत है, और इसको आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, आंवले को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। तो इन दिव्य द्रव्यों के विषय में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है, और ये बताने का प्रयास किया है कि आपके अपने घर में इस तरह की दिव्य चीज़ें हैं कि आपको गर्मी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। गर्मी में योग क्रियाओं की बात है, उस समय पर हम चित्तकारी और शीतली दोनों, चित्तकारी में जो दांतों को भीज करके, जैसे हम जैसे बैठे हैं बहुत गर्मी लग रही है, इसको सांस को अंदर भरते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं, फिर आराम से, क्योंकि सांस निकालते समय हम बाएं नासिका से बाहर निकाल दें या नॉर्मल निकालें, फिर एक तो ये, दूसरा हम शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। शीतली में जीभा को एक
नली आकृति में जीवा को मोड़ करके नली की आकृति बना करके उसको अंदर लेते हैं, इससे गर्मी से तुरंत आपको लाभ मिलेगा और तत्काल आप देखेंगे कि एकदम ठंडक से शरीर को पहुंचेगी। तो ये शीतली और शीतकारी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। दूसरा हम कर सकते हैं उसमें चंद्रभेदी प्राणायाम, उससे शीतलता बढ़ती है। जैसे सूर्यभेदी में हम दाएँ से लेकर के बाएँ से छोड़ते हैं, तो उसमें हम बाएँ नासिका से लें दाएं से छोड़ें, यह चंद्रभेदी प्राणायाम है। बाएं नासिका से सांस भरेंगे दाएं से निकालेंगे, बाएं से भरेंगे दाएं से निकालेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, इससे भी शीतलता की मात्रा बढ़ती है। प्राणायाम के रूप में ये तीन प्राणायाम बहुत ही लाभकारी हैं। बाकी आहार का ध्यान रखें और सुबह हल्के एक्सरसाइज व्यायाम करें और शरीर में जैसे हमने कहा हल्के वस्त्रों का धारण करें, गर्मी से बचिए। निश्चित रूप से आपको यह गर्मी दुखदायी कभी भी नहीं होगी। तो आइए इन चीज़ों का सेवन कीजिए, सेवन कर करके गर्मी को कहिए बाय बाय और आप रहिए आनंद से। मेरी शुभकामनाएं, आपकी गर्मी आपके लिए अशुभ नहीं, आपके लिए कल्याणकारी हो, गर्मी में भी आपका मंगल हो, आप भगवान आपको निरोग और स्वस्थ रखें। मेरी बहुत शुभकामनाएं। आइए इन सारे प्राकृतिक उपायों को जीवन में अपनाएं, प्राणायाम करें, योग करें और उन प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करें, निरोग रहें, देश के लिए सोचें, अपनी परंपरा और मूल्य और आदर्श को न खोएं। हमारी बहुत शुभकामनाएं।